क्लास 6 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट साइंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एबायोटिक कंपोनेंट। इसके पहले जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक लिया था वो था आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो हमने उसमें देखा था ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, एक और होता है उसमें आपका छोटा सा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिकम्पोजर होता है। फिर हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिया है एबायोटिक कंपोनेंट। हम आपको पहले ही बता चुके हैं एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में आपके क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट आर एबायोटिक कंपोनेंट। जो भी आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। सच एज जैसे एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, आपके एबायोटिक कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट लिखा है यहां पर रोल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट का एनवायरनमेंट में रोल क्या है वो हम देखेंगे। यहां पे एबायोटिक कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर कंस्टिट्यूट एबायोटिक एनवायरनमेंट। ये सब जो आपके लिखे हुए हैं एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, एक एनवायरनमेंट को बनाते हैं। That is also called physical environment. और इस टाइप के environment को हम क्या बोलते हैं, physical environment बोलते हैं। अब ये जो physical environment है, ये इसके अंदर में आपका non-living है। तो ये जो non-living things लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये non-living things आपके living things को affect कैसे करते हैं, किस टाइप से करते हैं, ये one by one हम next video में देखेंगे कि air का क्या effect है living life पर, वाटर का क्या इफेक्ट है लिविंग लाइफ पर, लाइट का क्या है, सॉइल का क्या है, टेम्परेचर का क्या है। क्यों, क्योंकि एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर ये ऐसे कंपोनेंट हैं जिसकी जो अगर ना हो तो लिविंग लाइफ पॉसिबल नहीं। क्यों, अगर लाइट नहीं होगी तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, प्लांट नहीं होंगे, सॉरी सॉइल नहीं होगी, प्लांट नहीं होंगे तो आपको फूड कैसे मिलेगा। तो ये जो भी सारे इफेक्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लास 6। थैंक यू ऑल ऑफ यू।